नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेणु वैद आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक पढ़ाऊंगी। तो आप चाहते हैं कि मैं आपको राजनीति विज्ञान की पुस्तक पढ़ाऊं, तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आपको भारतीय संविधान पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं राजनीतिक सिद्धांतों में आपको न्याय, समानता, स्वतंत्रता, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको भारतीय संविधान, भारत की परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर को नहीं चुन करके मैंने सबसे पहले चुना है भारतीय संविधान। पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया था, जिसमें आप लिखित संविधान है, आपका पंथ निरपेक्ष राज्य है, वयस्क मताधिकार है, समाजवादी राज्य है, इन सब के बारे में, विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, इसके अलावा भी कई जो विशेषताएं थी उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। संसदीय शासन व्यवस्था, इसके अलावा आपका आता है मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व, आपका मौलिक कर्तव्य, समाजवादी राज्य, संसदीय शासन व्यवस्था, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में बच्चों चर्चा की थी। आज कुछ विशेषताओं के बारे में मैं और बता रही हूँ, तो आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखें, सुनो ध्यान से। अब जो आपकी भारतीय संविधान की 90वीं विशेषता है बच्चों, जो पुस्तक में दी हुई है, वो है वयस्क मताधिकार। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद 326 ये बात कहता है। बच्चों, जब मूल संविधान में हमारे कहा गया था कि जो बच्चा 21 साल का है वो मत दे सकता है, मतलब उसको वयस्क मताधिकार प्राप्त है, वयस्क होने का दर्जा दिया गया है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में 61वां संशोधन हुआ बच्चों। कौन सा संशोधन हुआ? 61वां संशोधन हुआ, और इस संविधान संशोधन 1989, ये जो 61वां संविधान संशोधन हुआ, इस संविधान संशोधन में ये बात कही गई कि अब 21 वर्ष से आयु को घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। ये आएगा आपका वयस्क मताधिकार में। फिर विशेषता आती है बच्चों, पंथ निरपेक्षता। देखो बच्चों, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का मतलब यही है बच्चों, जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंथ निरपेक्षता को हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी जोड़ा गया। इसमें क्या बात है बच्चों? ये कहना चाह रहा है, हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का प्रचार करें, किसी भी धर्म का प्रबंधन करें, हम किसी भी धर्म के रास्ते पर चले, लेकिन राज्य इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य इस मामले में, राज्य का न तो कोई धर्म होगा और न ही राज्य व्यक्ति के मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करेगा। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब है राज्य का न तो कोई, राज्य न तो धर्म विरोधी है, न ही राज्य धर्म के प्रति तटस्थ है, वो धर्म के अंतर्गत होने वाले कार्य करेगा, लेकिन राज्य व्यक्ति के मामलों में किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं देगा। इसीलिए वेंकट रमन, जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वेंकट रमन साहब ने कहा कि पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक है, न अधार्मिक है, और न ही धर्म विरोधी है। ना तो धार्मिक है कि धर्म का कट्टर है, ना ही धर्म विरोधी है, और ना ही धर्म अधार्मिक है। धार्मिक कार्यों व सिद्धांतों में तटस्थ है कि हम किसी भी धार्मिक कार्य का संपादन करें, हम स्वतंत्र हैं, राज्य की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। न सिद्धांत, हम किसी भी सिद्धांत को माने, राज्य किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी को धर्म चुनने का अधिकार होगा, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे हिंदू धर्म अपनाए, चाहे मुस्लिम अपनाए, चाहे बौद्ध धर्म अपनाए,
चाहे किसी भी धर्म को अपनाएं, उसको छूट दी गई है। राज्य उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये हमारा भारतीय संविधान कहता है। और भारतीय संविधान की विशेषता है एक पंथ निरपेक्षता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। और इसी पंथ निरपेक्षता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस बात को जोड़ा गया था। ठीक है बच्चों, और वयस्क मताधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 326 में, और 61वां संविधान संशोधन में इसकी आयु को घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है बच्चों, फिर आता है बच्चों विलक्षण दस्तावेज। देखो बच्चों, हमारा जो भारतीय संविधान है, आप सब समझ गए होंगे कि संविधान निर्माताओं ने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखा है, देश के मूल्यों को ध्यान रख रहा है, देश की आकांक्षाओं का, मूल्यों का, सभी का समावेश भारतीय संविधान में किया है। और दक्षिण अफ्रीका ने, तो दक्षिण अफ्रीका नाम सुना होगा बच्चों, जहां पर महात्मा गांधी ने गोरे और कालों के बीच में भेदभाव को खत्म करने के लिए सत्याग्रह भी चलाया था, वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। नेल्सन मंडेला की जो सरकार स्थापित हुई वहां पर, और इसी नेल्सन मंडेला ने जो है दक्षिण अफ्रीकन संविधान पूरा का पूरा आपका किससे लेता है, भारत से प्रेरणा लेता है, कि भारत का ऐसा विलक्षण संविधान है कि दक्षिण अफ्रीका ने भी उसका सहारा लिया है। भारतीय संविधान में सभी देशों के दस्तावेजों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार डाला संविधान निर्माताओं ने, तो इसीलिए भारतीय संविधान की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें विलक्षण दस्तावेजों का समन्वय किया गया है। फिर आता है बच्चों एकात्मक व संघात्मक तत्वों का संयोग। देखो बच्चों, आप सब जानते हो एक होता है एकात्मक, एक होता है संघात्मक। क्या फर्क है बच्चों, यहां पर शक्ति प्रदान करती है केंद्र सरकार, यहां पर शक्तियों का बंटवारा, यहां पर शक्तियों का बंटवारा संविधान के नियमों के अनुसार होता है, यहां पर केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार राज्य सरकार एक काम करती है, वो होता है एकात्मक शासन। संघात्मक शासन ऐसा शासन है जहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है और संविधान के द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को शक्तियां प्रदान करती है। और हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 7 कौन सी बच्चों, जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, अनुसूची 7 जो है शक्तियों का बंटवारा करती है और इसमें 3 सूचियां बताती है बच्चों। पहली है आपकी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। हमारा भारतीय संविधान जो है इन दोनों लक्षणों को समाहित किए हुए हैं। कई लक्षण भारत में एकात्मक मिलते हैं, जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता क्या है, एकात्मकता का गुण माना जाता है। कोई भी राज्य जो है वो केंद्र सरकार से अलग नहीं हो सकता, ये एकात्मक शासन के गुण है। जबकि संघात्मक शासन कहता है शक्तियों का विभाजन संविधान के नियमों के अनुसार होगा, दोहरी नागरिकता की बात करता है, संसदीय शासन व्यवस्था की बात करता है, जबकि एकात्मक शासन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात कहता है। हमारे संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी हुई है बच्चों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार जिन विषयों के बारे में या व्यवस्थापिका जिन विषयों पर कानून बना सकती है वो संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। राज्य सरकारें जिन विषयों पर कानून बना सकती है वो राज्य सरकार राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती है। ठीक है बच्चों, लेकिन गतिरोध होने पर केंद्र सरकार का निर्णय माना जाता है, ये बात कही गई है समवर्ती सूची में।
और संवर्ती सूची का विषय हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से हमने संवर्ती सूची के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि भारत में एकात्मक और संघात्मक दो दो तत्वों का सहयोग पाया जाता है। एकात्मक गुण है इकहरी नागरिकता, संघात्मक गुण है यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, मतलब भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ये संघात्मक शासन, हमारे यहाँ पे यूनियन शब्द का यूज नहीं किया गया है, जबकि हमारे यहाँ पर कहा गया है राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ये बात कही गई है। इससे साबित होता है कि भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों व्यवस्था के गुण पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपने देखा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बनाती है, लेकिन संवर्ती सूची में केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होता है। मतलब सर्वोच्च शक्ति किसको दे रहा है? केंद्र सरकार को दे रहा है, लेकिन दोनों को कानून की शक्ति दे रहा है, कानून बनाने की शक्ति दे रहा है। ये चीज आपके आती है संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो आपने देखा भारतीय संविधान में एकात्मक व संघात्मक तत्वों का संयोग मिलता है। फिर मिलता है बच्चों स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका? देखो बच्चों ध्यान से सुनना, क्या है एक स्वतंत्र न्यायपालिका? आप सबको पता होना चाहिए बच्चों कि हमने स्वतंत्र न्यायपालिका का जो गुण लिया है, न्याय पुनरावलोकन का जो गुण लिया है, वो यूएसए के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है। आप सबको पता होना चाहिए बच्चों सरकार के तीन अंग है। कितने हैं? हमारी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें जो है उसके तीन अंग है बच्चों, ध्यान रखना। ये आपके लिए एक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब आप विशेषताएं पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं, तो इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो बच्चों सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उसके तीन अंग है बच्चों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीन अंग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका उस कानून की सुरक्षा करती है। ऐसी व्यवस्था है हमारे भारतीय संविधान में। यहाँ पर न्यायपालिका को न्याय करने की स्वतंत्रता दी गई है और ये कहा गया है कि अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ऐसा कोई कानून बनाती है जो भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उसकी समीक्षा कर सकती है, उस कानून को रोक सकती है, उसको निलंबित कर सकती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यायपालिका का जो मेंबर है उसको केवल महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जो बहुत ही कठिन है। मतलब कहने का मतलब है कि न्यायपालिका को हमारे भारतीय संविधान में काफी स्वतंत्रताएं दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है, न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग है आपका उच्चतम न्यायालय और राज्यों में होता है आपका उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, इनको काफी अधिकार दिए गए हैं और इनके द्वारा कोई ऐसा कानून बना लिया जाता है तो कई लेखों के माध्यम से ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। कौन है? न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है और कई ऐसी याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका ने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को तानाशाही बनने से भी रोका है। ठीक है बच्चों, फिर आता है बच्चों कठोरता व लचीलेपन का समन्वय। देखो बच्चों हमारा भारतीय संविधान में कुछ ऐसे संविधान संशोधन हुए हैं जिनमें बहुत ज्यादा किसकी जरूरत पड़ी है? संविधान में
2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। देखो बच्चों, हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 कौन सा है? हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है। किसकी बात करता है? संविधान संशोधन की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? 368 भाग 20। ठीक है बच्चों, तो संविधान संशोधन जो है उसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। ये कहता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ ऐसे संशोधन है जो साधारण बहुमत से हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? साधारण बहुमत से, जैसे नागरिकता का मसला। तो ये क्या होगा? किसी राज्य को मिलाना है, राज्य को मिलाना है, सीमा में परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है, नाम बदलना है, ये सब जो चीजें हैं वो साधारण बहुमत के माध्यम से ही हमारे भारतीय संविधान में संशोधन हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें 2/3 बहुमत की क्या होती है बच्चों? आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत होने पर संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन कौन कौन से बच्चों? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत होने पर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही संविधान में संशोधन हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे संशोधन हैं जिसमें 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभा के बहुमत की भी आवश्यकता होती है। वो जैसे आपका GST आया, 101वां संविधान संशोधन GST भी, उसमें आधे राज्यों के विधानसभा के बहुमत के बाद ही संविधान में संशोधन हो सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ ऐसे संशोधन हैं जो साधारण बहुमत से हो जाते हैं, कुछ ऐसे संशोधन हैं जिसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे हैं जिसमें आधे राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब है कि संविधान संशोधन करने में हमारा भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का समन्वय है। और अगर हम विश्व परिदृश्य में देखें तो अमेरिका का जो संविधान है बच्चों, उसमें कठोरता है, क्योंकि अब तक इसमें केवल कितने हैं? 7 अनुच्छेद है, जबकि लचीलापन आपको इंग्लैंड के संविधान में देखने को मिलेगा। तो लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें कठोरता और लचीलेपन दोनों के गुण बच्चों क्या है? समाहित है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आता है आपको न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। क्या है बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन? देखो बच्चों हमारा भारतीय संविधान का कोई भी अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का यूज नहीं करता है बच्चों, लेकिन हमारे भारतीय संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद है जो इस बात को जग जाहिर कर देते हैं कि हमारी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। क्या है न्यायिक पुनरावलोकन बच्चों, इसके बारे में देखो। न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें बच्चों तो ये अमेरिका से आया है। कहां से आया है? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन आया है बच्चों यूएसए से, मारबरी बनाम मेडिसन बाद में सबसे पहले ये बात आई थी। और न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 129, कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें इस बात का पता चलता है कि 213, कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनसे साबित होता है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। यहां पर कहने का मतलब है कि हमारे देश की व्यवस्थापिका और हमारे देश की कार्यपालिका, मतलब यहां पर यह है कि व्यवस्थापिका ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कि संविधान का उल्लंघन करती हो, जिसमें संविधान के मूल ढांचे पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप आया, तो व्यवस्थापिका ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती। संसद कानून बनाती है,
संसद को संविधान स्वतंत्रता देता है, लेकिन एक निरंकुश यहाँ पर ये लगा देता है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कोई कानून या व्यवस्थापिका द्वारा किया गया कोई भी संशोधन अगर संविधान के मूल ढांचे में अगर हस्तक्षेप होता है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। कार्यपालिका हमारे देश में कोई ऐसा कानून लागू करती है जो हमारे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है तो हम कार्यपालिका द्वारा किए गए लागू कानून में भी न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। ये हमारे भारतीय संविधान में उपबंध है बच्चों। तो ये है आपका न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को देती है, लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे निर्बंधन लगा दिए ताकि न्यायपालिका भी उनके कार्यों में हस्तक्षेप करती है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को तानाशाही बनने से रोकती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। नेक्स्ट है बच्चों विश्व शांति का समर्थक। आप सब जानते हो बच्चों, मैंने पहले के वीडियो में आपको नीति निर्देशक तत्व बताए थे। नीति निर्देशक तत्व बच्चों हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो क्या है ऐसा नीति निर्देशक तत्व में जो कि विश्व शांति का समर्थक करता है, समर्थन करता है? क्या है ऐसा नीति निर्देशक तत्व में बच्चों, वो देखो। विश्व शांति का समर्थक अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 51 ये कहता है कि हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का समर्थक है और विश्व राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने में भारत अपना योगदान देगा। जहां पर उपनिवेशवाद रंग भेद की समस्या है उन देशों को निजात दिलाएगा, जाति भेद को विश्व राष्ट्रों में कम करेगा, ऐसा भारत के संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 51 में, जो विश्व शांति का समर्थक करता है। और ये अनुच्छेद 51 आपके है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन करता है, उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए भारत प्रयास करेगा, ऐसी बात अनुच्छेद 51 में कहता है। फिर आता है बच्चों आपातकालीन उपबंध। देखो बच्चों, हमारा भारत जो है कानून बनाने की शक्ति व्यवस्थापिका के पास है, उसे लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास है। आप सब जानते हैं राष्ट्रपति के नाम पर हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की शासन व्यवस्था को संभालता है, लेकिन हमारे देश का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक इस बात का उपबंध करता है कि अगर हमारे देश में तीन स्थितियां आ जाए, एक तो राजनीतिक गतिरोध आ जाए, दूसरा बाहरी आक्रमण हो जाए, या तीसरा क्या होगा बाहरी वित्तीय संकट, अगर ये तीन सिचुएशन पैदा हो जाती है तो हमारा देश में समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती है, समस्त देश की शासन व्यवस्था को संभालने का जिम्मा राष्ट्रपति के नाम आ जाता है। तो क्या है ये बाहरी आक्रमण? अगर हमारे देश में किसी बाहरी देश का आक्रमण हो जाए तो हम उस समय आपातकाल लगा दिया जाता है, और ये आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। आंतरिक अशांति या गृह युद्ध की स्थिति हो जाए तो भी हम क्या लगा सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगा सकते हैं आपातकाल लगा सकते हैं। अगर किसी राज्य में राजनीतिक गतिरोध पैदा हो जाए, वहां की विधानसभाएं कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाती या संविधान का उल्लंघन कर रही है तो उस समय अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट अगर हमारे देश में पैदा हो जाए तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित
किया जा सकता है। तो ये तीन तरह के आपातकाल उपबंध हमारे भारतीय संविधान में कहे गए हैं। आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक तीन तरह के हैं। अनुच्छेद 352 बाहरी आक्रमण, राजनीतिक गतिरोध अनुच्छेद 356 और वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 में। ठीक है बच्चों, फिर आता है बच्चों एकल नागरिकता। क्या है एकल नागरिकता? आप सब जानते हैं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कैसी है? दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारे भारतीय संविधान नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक और भाग सेकंड में इस बात का उल्लेख करता है कि हम सब भारतीय हैं, भारत की हैं, हम किसी राज्य के नागरिक होने के साथ साथ भारत के नागरिक हैं, लेकिन हम भारतीय कहलाएंगे। किसी राज्य का होने के बाद भी उसको उस राज्य का नहीं मान करके समस्त भारत का नागरिक माना जाएगा, ये बात हमारा भारतीय संविधान कहता है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। फिर आता है बच्चों लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आप सब जानते हो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्यों को ऐसे निर्देश देता है ताकि हमारे देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो भी क्या है, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में जो विषमताएं हैं उनको दूर किया जा सके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं 36 से लेकर 51 तक। इसके बाद आता है बच्चों अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों की व्यवस्था। आप सब जानते हैं हमारे देश में अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हमारा भारतीय संविधान करता है। हमारा भारतीय संविधान का 16(4) कहता है कि अगर किसी कोई व्यक्ति बच्चा शैक्षिक दृष्टि से क्या है, पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए अलग से शिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। और इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में समय समय पर संविधान संशोधन किए गए हैं ताकि क्या हो, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की व्यवस्था की जा सके। और पिछड़े वर्गों की व्यवस्था के लिए ही हमारे भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन हुआ, 102वां संविधान संशोधन किया गया, 95वां संविधान संशोधन किया गया। कई संशोधन हमारे भारतीय संविधान में किए गए और आरक्षण की व्यवस्था को धीरे 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 करके बढ़ाया गया है ताकि सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता को स्थापित किया जा सके। तो आज हमने भारतीय संविधान की विशेषता, वयस्क मताधिकार, पंथ निरपेक्षता, विलक्षण दस्तावेज, एकात्मक व संघात्मक राज्यों का संयोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोरता व लचीलेपन का समन्वय, न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय, विश्व शांति का समर्थक, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों की व्यवस्था के बारे में चर्चा की, भारतीय संविधान के बारे में चर्चा की। तो आप आज बुक में इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे और जो शॉर्ट नोट्स मैं आपको बताई जा रही हूँ उसको ध्यान से सुने ताकि आप इस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान को पूरा क्लियर करवाऊं। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर सब कुछ अपन पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे। तो आप देखते रहिए नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को ताकि आप इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।